नमस्कार, मैं चित्रा यादव, लेक्चरर, कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग डिपार्टमेंट, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अजमेर। आज मैं थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सरफेस ऑर्नामेंटेशन की यूनिट फर्स्ट में विभिन्न प्रकार की एम्ब्रॉयडरी मशीन्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। थर्ड ईयर का सरफेस ऑर्नामेंटेशन सब्जेक्ट विभिन्न प्रकार की मशीन एम्ब्रॉयडरीज को कवर करता है। एम्ब्रॉयडरी एक डेकोरेटिव नीडल वर्क है जो किसी भी सरफेस को डेकोरेट करने में प्रयुक्त होती है। एम्ब्रॉयडरी हाथ से या मशीन दोनों से की जा सकती है। साधारण सिलाई मशीन से भी हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं और इसके लिए विशेष प्रकार की मशीनें भी उपलब्ध हैं जो कि विशेष रूप से एम्ब्रॉयडरी के लिए ही बनी होती है। ये प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग में किसी भी क्लोथिंग मटेरियल को डेकोरेट करने व कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट के लिए एम्ब्रॉयडर्ड लोगो आदि डिजाइन करने के काम में आती है। मशीन एम्ब्रॉयडरी मुख्य रूप से तीन प्रकार के मशीनों द्वारा की जा सकती है, मैकेनिकल एम्ब्रॉयडरी मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक एम्ब्रॉयडरी मशीन्स और कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन्स। कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन्स दो प्रकार की होती हैं, सिंगल हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन्स और मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन्स। अब मैं विभिन्न प्रकार की एम्ब्रॉयडरी मशीन्स का वर्णन करना चाहूँगी। सबसे पहले है मैकेनिकल एम्ब्रॉयडरी मशीन। यह साधारण व बेसिक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी मशीन है, इसे अम्ब्रेला मशीन भी कहते हैं। यह अधिकतर कशीदा करने वालों के काम में आती है। इस मशीन में स्ट्रेट व जिगजैग एम्ब्रॉयडरीज होती है जो कि बेसिक एम्ब्रॉयडरी है। इसकी विड्थ को चेंज करके स्टिच में वेरिएशन करके कई प्रकार के डिजाइन्स बनाई जा सकती है और यह मशीन प्राय सस्ती होती है जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक एम्ब्रॉयडरी मशीन्स का इन्वेंशन हुआ और ये आजकल अत्यंत मॉडिफाइड रूप में हमारे सामने हैं। इन्हें यूज में लेना आसान होता है और इनमें साधारण जिगजैग के अलावा कई प्रकार के एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स भी इनबिल्ट होते हैं। ये मशीनें लाइट वेट होती हैं और पोर्टेबल होती हैं, इन्हें आसानी से इधर उधर ले जा सकता है। यद्यपि साधारण एम्ब्रॉयडरी मशीन से थोड़ी महंगी होती है, लेकिन इनमें ज़्यादा क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन्स, ये मशीनें सबसे एडवांस एम्ब्रॉयडरी मशीनें हैं। ये ज़्यादा महंगी मशीनें हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही होता है। इनमें प्रोग्रामिंग द्वारा कई कॉम्प्लिकेटेड एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं। इनमें कुछ पैटर्न इनबिल्ट होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट मशीन से बना सकते हैं तथा कुछ पैटर्न्स सॉफ्टवेयर द्वारा डिजाइन करके भी मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। ये मशीनें दो प्रकार की होती हैं, सिंगल हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन और मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन। सिंगल हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन में एक ही नीडल हेड होता है और एक बार में एक ही डिज़ाइन बनती है। मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन में एक से ज़्यादा नीडल हेड होते हैं और एक साथ बड़े फैब्रिक पर कई डिज़ाइंस बनती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अब मैं मैकेनिकल एम्ब्रॉयडरी मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को समझाना चाहूँगी। सबसे पहले है फ्लाई व्हील या हैंड व्हील। इसे हाथ से घुमाकर नीडल को आगे पीछे या ऊपर नीचे किया जाता है जिससे कि धागा फंसता नहीं है। सेकेंड है बॉबिन पॉइंटर, बॉबिन को भरने के काम में आता है। नेक्स्ट स्टिच लेंथ रेगुलेटर, यह कपड़े पर स्टिच कितनी लंबी रखनी है या छोटी रखनी है उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है स्टिच विड्थ सिलेक्टर डायल। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक पीतल की नॉब है, उस पर 0 से लेकर 4 तक मार्किंग की हुई है। इसे घुमाकर स्टिच की विड्थ या स्टिच की चौड़ाई कितनी रखनी है उसे हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रू ऑफ स्टिच विड्थ डायल। यह स्क्रू कसकर स्टिच विड्थ डायल में स्टिच की चौड़ाई को फिक्स कर सकते हैं, अर्थात जिगजैग हमको कितना चौड़ा चाहिए यह हम फिक्स कर सकते हैं। यदि विड्थ को फिक्स नहीं रखना हो तो इस स्क्रू को टाइट नहीं करेंगे और नी लिफ्टर को मूव करके स्टिच विड्थ को कम या ज़्यादा करके कई डिजाइंस बनाई जा सकती है। इसके बाद ऊपर स्पूल पिन देख रहे हैं आप, इस पर एम्ब्रॉयडरी धागे की रील को लगाते हैं। नेक्स्ट टेकअप लीवर, टेकअप लीवर धागे को खींचकर
आगे की ओर ले जाने में मदद करता है, जिससे फैब्रिक पर स्टिचेस बराबर बनती हैं। टेंशन डिवाइस धागे की टेंशन को नियंत्रित करता है, इससे टांका ढीला या टाइट आता है। टांका सही आए इसके लिए टेंशन सही होना आवश्यक है। टेंशन पे वेरिएशन करके कई प्रकार की एम्ब्रॉयडरी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर फुट बार, जिस पर कि प्रेशर फुट लगा होता है। फिर नीडल बार, इस पर नीडल लगाई जाती है। प्रेशर फुट कई प्रकार की फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरीज के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि सीधी रेखाओं में एम्ब्रॉयडरी करनी हो तो इसे हम लगा सकते हैं। पिको के लिए पिको फुट लगाया जाता है। स्लाइड ब्लेड, इसे स्लाइड करके बॉबिन लगाई जाती है। फिर इसके बाद नीडल ब्लेड, नीडल ब्लेड में छेद होता है जो कि नीडल को शटल तक जाने के लिए मदद करता है। इस ब्लेड पर जो फीड डॉग्स होते हैं वो एम्ब्रॉयडरी करते समय नीचे कर दिए जाते हैं। इस मैकेनिकल एम्ब्रॉयडरी मशीन को ट्रेडल या पायदान लगाकर, इसे बेल्ट लगाकर पैरों से चलाई जाती है, या फिर इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगाकर इसे हम चला सकते हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक एम्ब्रॉयडरी मशीन की पिक्चर्स द्वारा इसके विभिन्न भागों को समझाना चाहूँगी। इलेक्ट्रॉनिक एम्ब्रॉयडरी मशीन काफ़ी यूजफुल है और इससे काफ़ी क्रिएटिव एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जा सकता है। सबसे पहले इस पिक्चर में आप देख रहे हैं रिवर्स लीवर बताया गया है। रिवर्स लीवर स्टिच को रिवर्स अर्थात पीछे की ओर ले जाता है। इसका प्रयोग हम सीम की शुरुआत में व एंड में कर सकते हैं, जिससे कि स्टिच पक्की हो जाती है या सिक्योर हो जाती है। पैटर्न सेलेक्टर से हम पैटर्न को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार की स्टिच बनानी है। इसमें स्ट्रेट स्टिच, टिक-टैक स्टिच या कोई एम्ब्रॉयडरी स्टिच को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टिच लेंथ ट्रायल से हम स्टिच की लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बॉबिन वाइंडर का प्रयोग धागे को स्पूल से बॉबिन में भरने के काम में लिया जाता है। इसमें काफ़ी इवनली धागा भरा जाता है। एम्ब्रॉयडरी के धागे की रील को लगाने के लिए स्पूल पिन का प्रयोग किया जाता है। थ्रेड टेंशन स्टिच की टाइटनेस व लूजनेस को डिसाइड करता है। स्पूल के धागे का टेंशन व बॉबिन के धागे का टेंशन इक्वल होने पर ही सही स्टिच बनती है। प्रेशर डायल द्वारा डिसाइड होता है कि कपड़े पर कितना प्रेशर या दबाव होना चाहिए। लाइट वेट फैब्रिक या पतले कपड़ों को आगे की ओर मूव करने के लिए अधिक प्रेशर की आवश्यकता होती है, जबकि मोटे व हैवी फैब्रिक्स पे कम प्रेशर की आवश्यकता होती है। फेस प्लेट मशीन के वर्किंग पार्ट्स को कवर करने के काम में आती है। चेक स्प्रिंग होल्डर, जैसा कि आप देख रहे हैं छोटे से स्प्रिंग के समान होता है। यह टेकअप लीवर के पास लगा होता है। यह नीडल में जाने वाले थ्रेड के अमाउंट को नियंत्रित करता है। अधिकतर सभी इलेक्ट्रॉनिक एम्ब्रॉयडरी मशीन में एक स्विंग लाइट लगी होती है, जिसकी हेल्प से नीडल में धागा डालना आसान होता है और स्टिचिंग को हम आसानी से देख पाते हैं। फीड डॉग नीडल प्लेट पर लगी हुई दांतेनुमा संरचना होती है, जो कि प्रेशर फुट के साथ फैब्रिक को आगे मूव करने के काम में आती है। रॉड प्लेट या नीडल प्लेट में एक होल होता है, जिसके द्वारा नीडल पास होकर बॉबिन केस तक जाती है। थ्रेड प्लेट में स्टिचिंग के लिए गाइडलाइंस भी बनी होती हैं। स्लाइड प्लेट क्लियर प्लास्टिक का कवर होता है, जो कि बॉबिन केस को डस्ट और गंदगी से बचाता है। प्रेशर फोम फीड टोक के साथ मिलकर काम करता है, जिससे कि फैब्रिक मशीन में आगे की ओर मूव करता है। नीडल क्लैंप एक स्क्रू के समान होता है, जिसे कसकर नीडल को उसकी जगह पर फिक्स किया जाता है। प्रेशर फुट लिफ्टर प्रेशर फुट को ऊपर या नीचे करने के काम में आता है।
सिलाई करने से पहले प्रेशर फुट नीचे होना आवश्यक है, अन्यथा फैब्रिक मशीन में आगे की ओर मूव नहीं करेगा। पिकअप लीवर प्रत्येक स्टिच के बाद धागे को खींचने के काम में आता है, जिससे कि फैब्रिक पर बराबर इवनली टांके बनते हैं। हैंड बिल निडल को ऊपर या नीचे करने के काम में आता है। सिलाई शुरू करने से पहले हैंड बिल को हमेशा खुद की ओर मूव करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एम्ब्रॉयडरी मशीन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक से चलती है, इसके लिए उसमें ऑन ऑफ करने के लिए पावर स्विच लगा होता है। पावर सॉकेट द्वारा मशीन को पावर से या इलेक्ट्रिक से कनेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एम्ब्रॉयडरी मशीन को चलाने के लिए उसमें फुट पैडल या फुट कंट्रोलर लगा रहता है। इसके द्वारा स्विंग मशीन की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। सिलाई पूरी होने के बाद धागे को काटने के लिए मशीन में ही एक थ्रेड कटर लगा होता है। इसके द्वारा धागे को काटा जा सकता है।